सो के रणवीर से ज़्यादा कोई ये और अच्छा कोई रोल कर सकता था. इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिज लाइफ नाउ आई थिंक सो. अब उनका लाइफ आगे और बढ़ने वाला है एंड इट्स जस्ट वाव. यू हैव टू वॉच इट. यू कैन नॉट मिस दिस मूवी. दैट्स बाजीराव एंड रणवीर दीपिका यू रॉक. थैंक यू. बहुत अच्छी मूवी है. फैंटास्टिक. हाँ बहुत अच्छी लगी. सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. दीपिका वॉज ब्रिलियंट. रणवीर सिंह वॉज ऑल्सो गुड. प्रियंका वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. अच्छा उसके म्यूजिक कैसा रहा? सॉरी गाने गाने बहुत अच्छे थे. गाने बहुत ही अच्छे थे. एक्सेलेंट था. हाँ बहुत ही अच्छे थे. रणवीर जी की एक्टिंग. रणवीर जी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. अच्छा पाँच में से कितने स्टार देना चाहते हैं? मैं दूंगी 4. मम्मी मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा. रणवीर जी की एक्टिंग 90% पसंद आया. दीपिका एक्सेलेंट थी. प्रियंका चोपड़ा बेस्ट थी. उसके गाने कैसे लगे आपको? 3 गाना बेस्ट था. एक तो थोड़ा. 5 में से कितने स्टार देना? 4 स्टार. 4 स्टार. बाजीराव मस्तानी. अच्छा उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम स्पीचलेस. आई मीन सबको एक बार जाके देखनी चाहिए. कुछ भी हो एक बार तो देखनी चाहिए. एंड अभी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती हूँ बट बहुत अच्छी फिल्म है. बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई थी एंड आई थिंक बहुत अच्छा. बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है. हर इंसान को जाके देखनी चाहिए. अच्छा रणवीर जी की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी. आई कैन नॉट इमेजिन एनीबॉडी एल्स एज बाजीराव. ही वॉज दैट गुड. आई कैन नॉट इमेजिन प्रोफेशनल एक्टिंग. गाने तो मतलब बहुत अच्छे हैं. जब से ऑल द सॉन्ग्स रणवीर इतना दमदार है फिल्म में वो पूरी अच्छी तरह से दिखाई दे. एक्चुअली ऑल 3 ऑफ देम. 5 में से कितने स्टार देना चाहते हैं? 5. 5. यस. अब बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी. हाँ तो आपको बाजीराव मस्तानी मूवी कैसी लगी? नहीं बहुत अच्छी मूवी है एंड ऑल 3 ऑफ देम आर लुकिंग वेरी ग्रेट. बहुत अच्छा एक्टिंग था. रणवीर का प्रियंका दीपिका गुड गुड मूवी. उसके गाने कैसे लगे? कहानी अच्छी है. गुड मस्ट वॉच. अच्छा मूवी है. 5 में से कितने स्टार देना चाहते हैं? 5 में से आई कैन गिव 4. सी आई एम ईश्वर अडवाणी. आई एम एन इंटरनेशनल ट्रेवलर एंड I heard very much about the both the pictures, but according me, all the theaters tickets are getting available. So I am very much confused. Should I go? We are three people came from Paris yesterday, and I want to buy 3 tickets, but all the tickets are available. Which movie I should see? Because in India, mostly stars are given wrong basis. I was thinking. That no ticket will be available, so I should go to 3rd movie, but both the pictures theaters are tickets are available. I'm really confused. Sorry for my dear friend whether I go Mastani or I should go Dilwale. Let me decide within 5-10 minutes when the public will come out. I can tell about that. Should I go for that? Unnecessary should I waste 3,000 rupees or 2,000 rupees in the theatre instead of that to go any old movie? Thank you, my dear friend. My name is Ishwar Advani, staying in the France from last 20 years. I'm NRI. This is